Assalamualaikum guys, आपको नुसरत कुकिंग पैशन में बहुत बहुत खुशामदी। आज मैं हूँ नेहा और ये है मेरे हेल्पर मेरे मामू, और आज हम मिलके किचन में मचाने वाले हैं तबाही, यानी कि हम लोग बनाने वाले हैं चौमियन, वो भी देसी स्टाइल से। तो अब हम आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट्स। हमें स्पाइसेस जो चाहिए होंगे वो है 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए सिरका, 2 टेबल स्पून हमें ये चाहिए चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और देसी टच के लिए हमने ये मतलब लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने 1/2 टीस्पून लिए, और यही 1 टीस्पून ज़ीरा। और यहाँ पे हमारे पास है ये 1 पाव के करीब चिकन है जिसको हम मैरिनेट करेंगे, और इसको मैरिनेट करने के लिए हमें ये स्पाइसेस चाहिए होंगे जो है 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और ये तकरीबन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे पिंच जो ली है वाइट पेपर की, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ये है ब्लैक पेपर और ये है 1 टीस्पून। और वेजिटेबल्स में हमें चाहिए मतलब हमने लिए 3 ग्रीन अनियन और गाजरें और शिमला मिर्च आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग स्पैगेटी बॉयल करने के लिए ऐड करते हैं, तो ये हमको इसी तरह पानी को हमने पहले अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने नमक डाल दिया, और अब हम इसको ऐड करेंगे, और ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे बॉयल होकर अंदर जाती रही। तो अब हम अपनी हेल्पर की थोड़ी हेल्प लेते हैं, कब से खड़े हुए हमारी शक्ल देख रहे हैं ये, तो अब हम इनसे रोस्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू कीजिए, आ जाइए करीब, आ जाइए। अब हम इनकी हेल्प लेते हुए अच्छे से कट कीजिएगा। सी सीख ही रही हूँ। अब इसको अपने हाथों को गंदा करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर ले, और ट्राई करना है कि हर एक बोटी पे लग जाए। लिया है, और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो जब तक हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ, तब तक हेल्पर प्लीज आइए और थोड़ा सब्जियां काट दीजिए हमें, क्योंकि हम हेल्पर किसी को हमने ये स्पैगेटी को तकरीबन 8 मिनट के लिए इसको हमने बॉयल किया है। हमने इसको इतना बॉयल करना है कि ये लेस ना छोड़े, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे होती है कि हम लोग लेस छोड़ जाती है हमारी स्पैगेटी। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि ये डन हो चुका है। तो अच्छे तरीके से ठंडे पानी से ड्रेन किया पहले हमने इसको, उसके बाद इसको ठंडे पानी से हमने धो लिया, और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया ताकि ये आपस में चिपके ना। यही हमारे दूसरे स्टेशन पे सुस्ती से काम हो रहा है, सब्जियां कट रही हैं बहुत ही सुस्ती से, देख सकते हैं आप लोग सुस्ती। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स कटवा ली हैं प्रोफेशनल शेफ से जूलियन का, सारी वेजिटेबल्स कटनी है। अब हम इसको इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप कप ऑयल में चिकन को भून लेंगे, और जीरा ऐड करेंगे, सिर्फ जीरा,
और हम अपनी हेल्पर की मदद ले रहे हैं हिलाने के लिए चमचा। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गार्लिक जो हमने चॉप किया था। गुड गुड, इसको आज लोग देख चुके हैं चिकन भुन चुका है। अब हम इसमें जो प्याज हमने लिए थे ग्रीन, उसका सिर्फ वाइट पार्ट ऐड करेंगे, ग्रीन पार्ट नहीं यूज करेंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक तकरीबन भूनेंगे और फिर इसमें हम गाजर और बाकी सब्जियां जो हैं वो भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और गाजर। और अब हम इनको इतना भूनेंगे कि इनमें से पानी ना निकले, मतलब पानी ना छोड़ेंगे सब्जियाँ। हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन हम सारे स्पाइसेस आधे ऐड करेंगे और आधे हम जब हम अपनी स्पेगेटी डालेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे। ये हमने डाल दिया सिरका, सॉस, सॉस, ये चिकन पाउडर, अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉस। और अब हम डालेंगे वाइट पेपर, हाफ डालेंगे, अभी पूरी नहीं डालेंगे, वाइट पेपर महंगी है। अब हम इसमें अपनी स्पेगेटी ऐड करेंगे। वाओ, अब इस लाल मिर्च भी शामिल करेंगे और जो ये हमने जीरे के साथ दी थी। अब इसको करेंगे हम मिक्स। अब ये काम थोड़ा डिफिकल्ट है तो ये हम अपने हेल्पर को देंगे कि वो करें। हमने जो बचे हुए स्पाइसेस थे वो भी ऐड करते हैं, यानी कि चिल्ली सॉस और ये गार्लिक और चिली सॉस है टोमेटो, इसको भी अच्छी तरह। ये हमारा सोया सॉस और अभी हम शामिल करने वाले हैं ब्लैक पेपर और हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लिया है और आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो जी, अब हम इसमें अपनी जो ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट था वो ऐड करेंगे इसमें ताकि इसकी खूबसूरत सी कलरफुल लुक आए। ये चीज बस यही पावर चाहिए जो मुझ में है। लीजिए, हमारी चाउमीन बनकर तैयार है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बगैर ब्लॉग कंप्लीट हो जाए? क्या बनाया आप लोगों ने? चाउमीन। सॉरी व्यूअर्स, मैं थोड़ा लेट हो गई। इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, खाने के लिए मैं आ गई। वो तो खाना लग रही थी। हम लोग देखिए कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है जो ये बर्बाद कर रहे हैं खाते हुए। आप वाह, कुछ जबरदस्त चीज लग रही है। मैंने और मामू ने तो सिर्फ हेल्प किए बनाए। जीत रहे बच्चा, मैंने बनाई है। जीत रहे बच्ची, क्या चीज बनाई है माशाल्लाह। मैं खुद अपना टेस्ट करूंगी कि मैंने कैसी बनाई है और फिर हम इसको देसी अंदाज से नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें इंटरनेशनल भी ब्लॉग जा रहे हैं। तो आपने देखा हमने कितने मजेदार तरीके से आसानी से हमने अपनी चाउमीन तैयार कर ली। अब हम जाएंगे खाने के लिए इसको और आप लोग एंड करते हैं जो कि हम करेंगे कैसे कि आप भी हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, थम्स अप देना है और नीचे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, मेरी तारीफ करनी है और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इसको व्यूज आए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।